जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी में। तो फ्रेंड्स, एक नई न्यूज आई है, देख सकते हैं नई रिक्वायरमेंट क्या है, चलते हैं देखते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके और इस फॉर्म को फिलअप कर सके। तो फ्रेंड देख सकते हैं, परिवहन विभाग में भर्ती होंगे सिपाही। जी हाँ दोस्तों, परिवहन विभाग ने 496 चलंत दस्ता सिपाही के लिए केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए 29 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा है, जिसका लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। इसके लिए आप महिला और पुरुष जो कि इंटर या उसके समक्ष परीक्षा पास हैं, वो सभी आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन की तिथि जो स्टार्ट हो गई है 28 अक्टूबर 2019 से। इसके साथ ही दो पहिया एवं चार पहिया MLV मोटर या HMV हेवी जो है लाइसेंस, चलाने का लाइसेंस हो, मोटर लाइसेंस हो आपका, दो पहिया चार पहिया सारे चलाने का लाइसेंस हो, एज ड्राइविंग लाइसेंस। इसके साथ ही उम्र जो दी गई है 18 से 25 वर्ष तक, जबकि पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा जो है 18 से 27 है, महिला के लिए 18 से 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30। इसके साथ ही आपको इसके लिए दो चरणों में परीक्षा होगी। पहले चरण की 100 अंक की लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में 100 अंकों की शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 30% अंक आपको हासिल करना होगा। पोस्ट जो है इस प्रकार है, सामान्य वर्ग के लिए 197, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 49, अनुसूचित जाति के लिए 79, जनजाति के लिए 5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 89, पिछड़ा वर्ग के लिए 59, पिछड़े वर्ग की महिला 15, कुल 496 पदों के लिए निकले हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं रिक्वायरमेंट से, जो भी मित्र से फ्रेंड्स हैं उन्हें जरूर शेयर करें, जिससे कि अन्य छात्र लाभान्वित हो सके और इस फॉर्म को फिलअप कर सके। बहुत बड़ी खुशखबरी सभी के लिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नेक्स्ट डे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फ्रेंड्स, अभी नहीं करी प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।